स्वागत है आप सबका, हम सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। अगस्त के करंट अफेयर्स आज हम देखेंगे। द करंट अफेयर सीरीज इज गोइंग ऑन एंड वी विल बी कंटेनिंग अगस्त करंट अफेयर सीरीज। बट बिफोर दैट वी हैव आर लिंक्स ऑफ द टेलीग्राम चैनल्स। पेपर वन का है, पेपर टू का अलग से चैनल है, एंड देयर इज अ चैनल ऑफ टेलीग्राम विच वुड बी कंप्राइजिंग ऑफ द क्वेरीज ऑफ यू पीपल। तो आप इसमें अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है ये सब। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज इज द सनस्क्रीन्स आर बैंड इन थाई। थाई मीन्स थाईलैंड विच इज इन साउथ एशियन नेशन। तो यहाँ पे एक साउथ एशिया का जो एक देश है उस पर हम बात करेंगे, थाईलैंड का। सो द न्यूज इज दैट दे हैव बैंड सनस्क्रीन्स बिकॉज वो ऐसा कह रहे थे कि दे हैड इंग्रीडियंट्स विच आर डिस्ट्रॉइंग कोरल लार्वा, ऑब्स्ट्रक्ट कोरल रिप्रोडक्शन एंड कॉज रीफ ब्लीचिंग। तो ये जो रीफ है इसकी ब्लीचिंग हो जाएगी, मतलब इसमें जो कंटेंट है इसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। सिंस द रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय कॉलोनीज ऑफ कोरल पॉलिप्स एंड दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है दिस स्टार्ट्स डिग्रेडिंग। तो सनस्क्रीन में या किसी और प्रोडक्ट में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो क्या करते हैं, इस कैल्शियम कार्बोनेट को डिग्रेड करते हैं। तो इससे कोरल रीफ के लिए ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, इसलिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्टेप लिया गया है। Now the next news is from the Intergovernmental Panel for Climate Change. Iski assessment report aayi hai, sixth assessment report was being released in 2021. The title was Climate Change 2021, the physical science behind. To ye bahut hi important hai, title aap yaad rakhein. Aur dusri baat hai, it is prepared by the scientist of working group 1. So there are three types of working group, first, second and third. द फर्स्ट डील्स विद द साइंटिफिक बेसिस, किस बेसिस पर वो हो रहा है। द सेकेंड डील्स विद द इफेक्ट एंड वल्नरेबिलिटीज, मतलब कि उससे क्या असर होगा। एंड द थर्ड डील विद द एक्शन, तो ये एक्शन से डील करते हैं। ये वर्किंग ग्रुप है साइंटिस्ट की, उस बेसिस पर ही ये रिपोर्ट और अपना काम करते हैं। सो वॉट दे हैव रिलीज दैट द अदर टू, यानी वर्किंग ग्रुप टू और थ्री जो हैं उनकी अपनी रिपोर्ट्स आएगी 2022, इसे आप ध्यान रखिएगा। The main salient features from the report were that Arctic sea ice is at the lowest level, अपने 150 साल के इतिहास में सबसे कम अब तक का उसका water level है, पानी का level है। The second important thing for India and Asian continent is that heat waves, heavy rainfall events and melting of glacier हमें बहुत ज़्यादा इंडिया में देखने को मिलेगा। तो अब क्लाइमेट चेंज अपने destruction की तरफ बढ़ रहा है। And the most important thing was that a global net zero by 2050 was the minimum required to keep the temperature rise to 1.5 degrees Celsius. यानी अगर 2015 तक हम इस temperature को constant या नहीं पा पाएंगे तो फिर जो climate change के हमारे objectives हैं उन्हें पूरा हम नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत important है, IPCC की reports बहुत से अच्छे अच्छे exams में भी आती है, इसको ध्यान रखेंगे। और बेटर थिंग आप देख सकते हैं, ये हमने आईपीसीसी की वेबसाइट से लिया है, सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट। तो ये वर्किंग ग्रुप वन ने तैयार किया है। ये एक क्वेश्चन हो सकता है, विच ग्रुप और विच ग्रुप ऑफ द साइंटिस्ट फॉर्म दिस, तो ये आप याद रखेंगे। द नेक्स्ट यूज ऑफ द करेंट अफेयर्स इज द लेटेस्ट डेज, हम डेज भी इसमें देखते रहते हैं। तो 10th August वॉज सेलिब्रेटेड एज लायन डे, एंड लाइन इज नोन एज पैंथरा लियो पर्सिफर। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट शेड्यूल वन WPA एक्ट में है, एंडेंजर्ड स्पीशीज जो IUCN की लिस्ट है ये उसमें आता है। सो लायंस आर वल्नरेबल, और इंडिया आपको पता ही होगा टाइगर्स के लिए ज़्यादा मशहूर है, टाइगर जिनके ब्लैक स्ट्रिप होते हैं। कमिंग ऑन नेक्स्ट न्यूज इज सेटेलाइट फोन्स। सो द काजीरंगा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इन विच 10 सेटेलाइट फोन्स आर हैंडेड ओवर टू द फॉरेस्ट पर्सनल। इससे क्या होगा, एंटी पोचिंग मेजर्स ये तुरंत आगाह कर सकते हैं, दे कैन कॉल फॉर हेल्प और रेस्क्यूज इमीडिएटली, एंड द सर्विस वुड बी प्रोवाइडेड बाई BSNL। काजीरंगा इज लोकेटेड इन असम, दिस इज द लोकेशन, एंड वन हॉर्न्ड राइनोस आर द मेन साइलेंट फीचर हियर। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, कौन है और वहाँ की विशेषता क्या है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज पर। Very important to note, a direct question could be both from Gujarat, Sultanpur and Bhindwas from Haryana. So four हैं ये, दो गुजरात से और दो हरियाणा से। Now the total sites are 46 now. Very important, बहुत बहुत ज़्यादा important है ये question. Direct question आपको ये देखने को बहुत सी जगहों पर मिलेगा। But before that we have
सम ऑफ आर नेबरिंग कंट्रीज दैट इंडिया, ये हमने साइट से ही लिया है, वी हैव टेकन दिस फ्रॉम रामसार साइट, 46 साइट इंडिया, 64 चाइना, श्रीलंका 6 एंड पाकिस्तान 19, और यहाँ पे दिया भी हुआ है कि कब ये फोर्स में आए। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान सबसे पहले यहाँ पर फोर्स में आया था, यानी रामसार कन्वेंशन में इट टुक पार्ट। द नेक्स्ट न्यूज इज़ फ्रॉम द हर्बल हाईएस्ट हर्बल पार्क विच इज़ बीइंग एट चमोली डिस्ट्रिक्ट, दिस इज़ उत्तराखंड, दिस इज़ चमोली डिस्ट्रिक्ट नियर द बॉर्डर ऑफ इंडो चाइना, एंड इट इज़ हैविंग अ हाइट ऑफ 11,000 फीट। तो इस पार्क में क्या है, दे वुड बी हैविंग 40 स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, वल्नरेबल फिशीज एंड रेड स्पीशीज इन द लिस्ट ऑफ IUCN। उसके बाद चमोली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेशनल वैली ऑफ फ्लावर्स, तो ये एक नेशनल पार्क है जो वहाँ पे आपको मिलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे चमोली के बारे में। नेक्स्ट इज़ दिस फर्स्ट स्मॉग टावर इज़ बीइंग इनॉग्रेटेड बाय दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल, दिस वाज इन न्यूज़ एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, और ये पहले ही बन चुका था, इसका इनॉग्रेशन सिर्फ अभी हुआ था। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट द रेटिफिकेशन ऑफ द किगली टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैज़ बीन डन बाय इंडिया। तो किगली में क्या है, HFCs के बारे में बात हो रही है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो रेफ्रिजरेंट्स में मिलते हैं, जबकि मॉन्ट्रियल में आपको क्या मिलेगा, ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेज हैं उनके बारे में यहाँ पर क्या किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम साइलेंट न्यूज़ आपके लाते हैं जो बिल्कुल काम की हैं। द लास्ट न्यूज़ वी विल बी हैविंग इज़ फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, ये किसने, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने नीति आयोग के साथ इसको लॉन्च किया है। इससे होगा क्या, जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस हैं एशिया में, पूरे के पूरे एशिया में इसको लॉन्च किया है, इस पर हम कुछ कंट्रोल पा सकेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, और ये आप देख सकते हैं जैसे